बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पसीने को देखकर धोखा मत खाइए, इसलिए कि पसीना आएगा। जब यकीनी बात है, मेहनत लगेगी तो पसीना तो आएगा ना, और पीछे से हवा लगी जिससे और पसीना आने लगा। हवा आने से बदन सर्द नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर दूसरी कैफियत पैदा होती है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, जो कुछ हुआ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपका जलसा कामयाब। यकीनी बात है फखरे नेपाल मौजूद हो और बहरूर, अरे बोलिए, मुफ्ती हुजूर साहब जैसी शख्सियत मौजूद हो, और हमारी जमात का शेर अल्लामा इलियास नूरी जो सिकंदरपुर बलिया के मदरसे के प्रिंसिपल है, वो भी तशरीफ फरमा है, मेरे दोस्तों में से है। गरचे दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी पक गए, अरे जोर से बोलो, ऐसा होता है बुढ़ापा किसी पर जल्दी आ जाता है, किसी पर देर से आता है। मौलाना रब्बानी की उम्र 43 साल की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चेहरे पर खत, बोलो मेरे चेहरे के खत दो खाल पर अभी कोई खास फर्क नहीं है। इजाजत है दोस्तों, बोलो इजाजत है, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, पैगंबर ने जो 15 बुराइयों का तस्करा फरमाया, आज हमारे अंदर है? अरे बोलो हमारे अंदर है कि नहीं? तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में आओ, और जा रहो मुसलमान बनकर रहो। झूठे मजहब वाले सीना तान कर चलते हैं, फख्र से कहते हम हैं। आप तो सच्चे मजहब के मानने वाले हो, एक खुदा के मानने वाले हो, तो अपने मजहब को क्यों छुपाते हो? जा रहो मुसलमान बनकर रहो, और इस्लाम का दामन मजबूती से थामो, इसी ने हमारी भलाई है। आज गलतियां हम लोग करते हैं, अरे जोर से बोलो, आज गलतियां हम लोग करते हैं, बदनाम मजहब इस्लाम होता है। अरे बोलो होता है कि नहीं? तलाक तुम अपनी बीवी को देते हो, बदनाम मजहब इस्लाम होता है। लोग कहता है इस्लाम का ये कानून गलत है, इस्लाम का वो कानून गलत है। कसम खुदा, इस्लाम का हर कानून लाजवाब है। अगर दुनिया के कोर्ट में अगर इस्लाम के कानून को नाफिज कर दिया जाए, तो कोई भी मजलूम सजा ना पाए। जोर से बोलो, कोई भी मजलूम सजा ना पाए। लेकिन आज का माहौल बिगड़ा हुआ है। मेरी तरफ देखो, आज गलतियां आप करते हो, बदनाम हमारा मजहब होता है। आज का मुसलमान समझता है बीवी हमारी खिलौना है, बीवी हमारी मजाक है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। ये तुम्हारी भूल है, बीवी खिलौना नहीं तुम्हारे घर की बहार है, बीवी खिलौना नहीं तुम्हारे घर का हुस्न है, बीवी खिलौना नहीं तुम्हारे घर की जीनत है। जिस औरत को तूने खिलौना समझ करके शराब के नशे में तीनों तलाक एक मरतबा दे दिया, थोड़ी सी तू तू मैं हुई, तूने तीनों तलाक एक मरतबा दे दिया, तूने अगर गौर कर लिया होता कि अगर ये औरत हमारे घर की बहार है और इससे हमारे कितने रिश्ते वाबिस्ता है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करते। कसम खाऊंगा, अगर ये औरत घर में नहीं आती तो बेटा बेटी से रिश्ता पैदा नहीं होता, नाना नानी का रिश्ता पैदा नहीं होता, दादा दादी का रिश्ता पैदा नहीं होता, खाना खालू का रिश्ता पैदा नहीं होता, मामू ममानी का रिश्ता पैदा नहीं होता। एक औरत के रिश्ते ने तुमको कितने रिश्तों से जोड़ दिया। ये औरत खिलौना नहीं तुम्हारे घर की बहार है, इनसे मोहब्बत करो, इनका हक अदा करो, इनकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। अन्ना पैगंबर ने फरमाया, औरत की पैदाइश बाएं पसली से है और ये टेढ़ ही है, अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो पसली दूर जाएगी, इसलिए होश में रहो, तुमसे भी गलतियां होती है तो औरतों से भी गलतियां हो सकती है, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। और तलाक, इधर देखिए, इस्लाम में तलाक को कब रखा गया? वरना इधर देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जायज चीजों में अल्लाह के नबी सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। जोर से बोलो, जायज चीजों में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह के नजदीक वो तलाक है। इधर देखो, तलाक में बेशुमार हिकमतें हैं। तलाक कब दिया जाए, क्यों कर दिया जाए, किस लिए दिया जाए, कितनी बार दिया जाए, इसकी हिकमतों को समझेंगे तो कसम खुदा कहेंगे कि हमारे इस्लाम का हर कानून लाजवाब है। इधर देखो, जो मुसलमान शराब पीकर अपनी बीवी को तलाक देता है, उसे 50 जूते लगाओ, उसका बाइकॉट करो, उसमें दो
बड़ा चुर्म किया, एक तो शराब पिया ये बड़ा चुर्म किया, दूसरा सबसे बड़ा चुर्म उसने ये किया कि तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। जोर से बोलो, तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। तीनों तलाक एक बारगी देना एमसी के पीरियड में हो या गैरे पीरियड में हो, अगर तीनों तलाक एक बार भी देता है तो ये हराम है। हो से बोलो, वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। इसलिए ऐसी गलती से बचो। तलाक कब दिया जाए, किस सूरत में दिया जाए, मेरी तरफ देखो। बीवी बच्चलन हो से बोलो, बीवी बच्चलन हो, बदमाश हो, आपकी बातें ना माने, आपके माँ बाप की बात ना माने, आपसे हमेशा लड़ाई करती हो, आपसे झगड़ा करती हो, आपके नानो नफका पर राजी ना हो, इधर देखिए आप समझाते हो लेकिन वो ना समझती हो, हर तरह से आप परेशान आ चुके हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ईला करो। क्या करो, जोर से बोलो, ईला। चार महीने के लिए उसको धमकी दो, कहो कि कसम खुदा तुम सुधर जाओ वरना मैं चार महीना तक तुमसे गुर्बत नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा। अगर आपने उसे धमकी दे दिया तो चार महीना तक आप उसे जुदा रहिए। अगर पहले महीने में सुधार आ गया, दूसरे महीने में सुधार आ गया, तीसरे महीने में सुधार आ गया, चौथे महीने में सुधार आ गया, चार महीना पूरा होने से पहले पहले अगर सुधार आ जाता है तो उनकी गलती को माफ कर दीजिए, उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए, आना जाना शुरू कर दीजिए, कसम का कफारा अदा कर दीजिए, आपका निकाह बचा रहेगा। लेकिन मान कर चलिए आपने पहला महीना इंतजार किया, दूसरा महीना इंतजार किया, तीसरा महीना इंतजार किया, चौथा महीना इंतजार किया, औरत में सुधार नहीं आया, तो जैसे चार महीना पूरे होंगे अगर आपने बातचीत बंद रखी, आना जाना बंद रखा, तो जिस दिन चार महीना कंप्लीट होंगे उस दिन वो बाइना होकर के निकाह से निकल जाएगी। आपको मुंह से कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपको फायदा यह हुआ कि लाठी भी बच गई, सांप भी मर गया, औरत निकाह से निकल गई। अब अगर दोबारा रखना पड़ा तो हलाना की जरूरत नहीं है, चाहे दो साल के बाद रखो, चाहे छह महीना के बाद रखो, चाहे एक महीना के बाद रखो, घर से निकाह करो और घर में रखना शुरू कर दो। ये है इस्लाम का सही कानून। दूसरा तरीका सुन लो, दूसरा तरीका सुन लो, अगर तलाक ही देनी है तो तीन तलाक मत दो। फिर से बोलो, तीन तलाक मत दो, दो तलाक मत दो, बल्कि सुन्नत तरीका, बेहतरीन तरीका, अहसन तरीका यह है कि औरत जिस सिन में पाक हो, पाको साफ हो, एमसी की हालत में ना हो, और जिस वक्त आप उनसे मुलाकात ना किए हो, उनके हुजरे में नहीं गए हो, उस पीरियड में औरत को सिर्फ एक तलाक दीजिए। कितनी दीजिए, दो से बोलो, एक तलाक, और एक तलाक देकर के उनको इज्जत गुजारने दीजिए। आप अलग हो जाइए, अगर उनके पेट में हमल है तो उनकी इज्जत जब तक बच्चा ना पैदा हो जाए उतने दिन तक इज्जत है, और अगर पेट में हमल नहीं है तो इधर देखिए उनकी इज्जत तीन एमसी है, उनकी आदतें मारूफा के मुताबिक, चाहे वो तीन एमसी चार महीना में आए, चाहे छह महीना में आए, चाहे तीन साल लग जाए, जब तक के औरत को तीन एमसी नहीं होगी वो औरत इज्जत में रहेगी, और औरत जब तक इज्जत में रहेगी शौहर पर नानो नफका वाजिब है, खाना देना वाजिब है, बीमार हो जाए तो इलाज कराना वाजिब है, कपड़ा फट जाए तो कपड़ा देना वाजिब है। यह है शरीयत का कानून कि अगर तुम तलाक ही देना चाहते हो, अगर उनसे जुदाई की चाहते हो तो तीन तलाक मत दो, दो तलाक मत दो। असल तरीका, बेहतरीन तरीका यह है कि जब औरत पाको साफ हो, कुर्बत तुम नहीं किए हो, तो सिर्फ एक तलाक दो, और एक तलाक देकर इज्जत गुजारने दो। अगर इज्जत के अंदर सुधार आ गया तो रजत कर लो, बातचीत शुरू कर दो, आपका निकाह बच जाएगा, और अगर सुधार नहीं आया तो आप अलग रहो, जैसे इज्जत पूरी होगी वो निकाह से निकल जाएगी। अगर बाद में दोबारा रखना पड़ा तो हलाना की जरूरत नहीं है, चाहे एक महीना के बाद घर में रख लो, चाहे छह महीना के बाद घर में रख लो। इस्लाम का कानून यह है, अगर नबी की सुन्नत पर चलोगे तो मुसीबत से बचोगे, नबी की सुन्नत पर चलोगे तो हलाना जैसी जिल्लत से बचोगे। इसलिए मुसलमान अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, तलाक दो, लेकिन तलाक कब देना, कब देना है वो मैंने आपको तरीका बताया कि बीवी जब बच्चलन हो, बदमाश हो, आपकी बातों को ना माने, आपके मां बाप की बात ना माने, कहीं से समझौता की सूरत ना हो,
तब जा करके आप उनको तलाक दे सकते हो। वो भी तीन तलाक मत दो, दो तलाक मत दो, बल्कि सुन्नत तरीका ये है सिर्फ एक तलाक रजाई दो ताकि बाद में आप मुसीबत से बच सको। आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। अरे जोर से बोलो, मौलाना रब्बानी की तकरीर को बंगाली भी समझ लेता, आप लोग तो बिहार की बहार में बैठे हो। अरे बोलो, लेकिन मेरी तकरीर 2 बजे शुरू होगी, जब सारी दुनिया सो जाती है तब मौलाना रब्बानी को आप नंबर देंगे। तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग बोलो अनसुनी करते हैं, तो ऐसी गलती तो यहां नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूं मेरा बच्चा भी जाग रहा है, मेरे बूढ़े बुजुर्ग भी जाग रहे हैं, हमारे जवान हजरात भी जाग रहे हैं। और मौलाना रब्बानी ने यह मौजू इसीलिए लिया ताकि लोगों को प्यासा ना छोड़ा जाए। इंशाल्लाह फिर कभी मैं शबे मेराज के मौजू पर तकरीर करूंगा, इजाजत है तो अगली गुफ्तगू करूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और दोस्त बोलो सुभान अल्लाह। अब हम निकाह इधर देखिए, तलाक का एक पहलू वैसे तो बहुत पहलू है। बेईमान लोग कहते हैं कि जो तलाक नशे में दी जाए वो तलाक नहीं होती है। बोलो कहते हैं ना, अरे बैठाओ इजाजत है जोर से बोलो बैठाओ। जो तलाक जोर से बोलो नशे में दी जाए, कौन लोग कहते हैं जल्दी बोलिए, अरे बोलो कौन लोग कहते हैं जल्दी बोलो। वो लोग कहते हैं, और कोर्ट से भी शायद बिल ये पास होने वाला है कि जो तलाक नशे में दी जाए वो तलाक नहीं मानी जाएगी। अगर कोर्ट से ये बिल है तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा, ये इस्लाम के साथ सौतेलापन है, ये इस्लाम के साथ नाइंसाफी है। अगर नशे की हालत में तलाक नहीं मानी गई तो मर्डर भी नहीं माना जाए, कत्ल भी नहीं माना जाए। अगर कोई शराब पीकर किसी को गोली मार दे तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर उसको गिरफ्तार कर सकती है तो तलाक देने वाले को क्यों नहीं करे। ये नाइंसाफी है, इस्लाम के साथ सौतेलापन है। कोर्ट से यदि बिल पास होने वाला है कि जो लोग 3 तलाक देंगे उनको 3 साल की सजा मिलेगी और 3 तलाक नहीं मानी जाएगी, हुकूमत से दरखास्त करूंगा अगर 3 तलाक नहीं मानी गई तो सजा 6 माना दारा, सजा 6 माना दारा, या तो मानो फिर सजा मुसल्लत करो, और अगर नहीं मान रहे तो सजा क्यों। हजरात खबरदार, होश में रहिएगा, अपनी शरीयत का दामन मजबूती से थामिए। अगर मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक देगा तो हमारी शरीयत कहती है वो 3ों तलाक मानी जाएगी, और अगर कोई मुसलमान नहीं मानता है तलाक देने के बाद भी बीवी को अपने साथ घर में रखता है इधर देखिए, तो जितनी बार मिलेगा वो गुनाह होगा, जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुस ज़िना होंगे। इसलिए खबरदार ऐसी गलती मत करना। एक बात और सुनते चलो, हमारी शरीयत यह कहती है किस बेहोशी में तलाक है और किस बेहोशी में नहीं है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, बेहोशी 2 तरह की है। हाथ उठाकर बोलो बेहोशी कई तरह की है, जोर से बोलो बेहोशी कई तरह की है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बेहोशी 2 तरह की है, एक बेहोशी वो है जो बीमारी की वजह से हो, मर्ज की वजह से हो, चलते हैं बेहोश हो जाते हैं, रहते हैं बेहोश हो जाते हैं, बैठे बैठे बेहोश हो गए, गुस्सा आया बेहोश हो गए, समझ में नहीं आता कि मुंह से क्या निकलना है। अगर ऐसी बेहोशी जो बीमारी की वजह से हो, इस बेहोशी में अगर कोई तलाक देगा तो तलाक फिर से बोलो नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो बेहोशी तूने शराब पीकर पैदा किया है, जो बेहोशी तूने तारी से पैदा किया है, जो बेहोशी तूने बियर पीकर के पैदा किया है, इस बेहोशी में हमारी शरीयत कहती है तलाक होगी। क्योंकि अगर तुम शराब ना पिए होते, इतनी बड़ी गलती ना किए होते तो तुम बेहोश ना होते। हजरात, तो जो बेहोशी बीमारी की वजह से हो उसमें तलाक नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो बेहोशी शराब की वजह से हो उसमें तलाक भी मानी जाएगी, कत्ल भी माना जाएगा, चोरी भी मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ में क्या हो जोर से बोलो, शीशा। बोलो क्या हो जोर से बोलो, अरे पूरा मजमा जोर से बोलो, क्या हो? मेरे हाथ में एक शीशा दे दो, इधर देखो ये शीशा है, मानकर चलो ये शीशा है,
कोई मजाक में पत्थर मारे, कोई गुस्से में पत्थर मारे, कोई शराब पीकर पत्थर मारे, कोई अनार का जूस पीकर पत्थर मारे, कोई किसी के पिस्तौल के डर से पत्थर मारे, बोलो शीशा टूटेगा कि नहीं? अरे दोस्तों बोलो टूटेगा ना। चाहे तुम गुस्से में मारो तब भी टूटेगा, चाहे शराब पीकर मारो तब भी टूटेगा, जोर से बोलो चाहे किसी के पिस्तौल के डर से मारो तब भी शीशा टूट जाएगा। यही हाल है मियां बीवी के जबानी रिश्ते का, जो मुंह से बनता है मुंह से बिगड़ता है। आपने दो मुस्लिम गवाहों के सामने कह दिया कबीर तो निकाह हो गया, और अगर आपने कह दिया कि मैंने तलाक दिया तो गवाह की भी जरूरत नहीं है। गवाह की उस वक्त जरूरत है जब शौहर इनकार करे, वो से बोलो जब शौहर इनकार करे तब गवाह की जरूरत है। लेकिन अगर मुजरिम खुद इकरार करता है कि मैंने मोबाइल पे तलाक दिया है, मैंने तहरीर से तलाक दिया है, मैंने टेलीफोन पर तलाक दिया है, तो अब इकरार की सूरत में कोई गवाह की जरूरत नहीं है, तलाक साबित हो जाएगी, तलाक वाकई हो जाएगी। मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने फरमाया सनासुन जिद्दुहुन नजिद्दुन वहज्महुन नजिद्दुन तलाक पर बचा तो बनने का। दुनिया में तीन चीजें ऐसी है, मजाक करो तब भी बात मान ली जाए, इरादा करो तब भी बात मान ली जाए, वो है तलाक, वो है रजाक, वो है निकाह। अगर कोई मजाक में तलाक देगा तब भी तलाक हो जाएगी, पिस्तौल के डर से देगा तब भी तलाक हो जाएगी, गुस्से में देगा तब भी तलाक हो जाएगी, शराब पी कर देगा तब भी तलाक हो जाएगी। वो बेहोशी इधर देखिए, वो बेहोशी जो मर्ज की वजह से हो उसमें तलाक का एतबार नहीं है। हाथ उठाकर बोलो नहीं है। लेकिन जो बेहोशी शराब से हो उसमें तलाक दोगे तो तलाक मानी जाएगी। अगर नहीं मानी गई, इधर देखो, मानकर चलो कि तलाक अगर नहीं मानी जाए तो इस्लाम का निजाम बिगड़ जाएगा, लोगों की नस्लें बिगड़ जाएंगी। हर आदमी तलाक देने के बाद यह बहाना करेगा कि मैं शराब पिए हुआ था। अरे बोलो, हर आदमी तलाक देने के बाद यह बहाना करेगा कि मैं नशे में था, तब तो हो गया, इस्लाम का निजाम भी बिगड़ेगा, बुराइयां आम होंगी, लोगों की नस्लें बिगड़ जाएंगी। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। हदीसें सुनाऊंगा लेकिन पांच मिनट और आपको मसला सुनना पड़ेगा। इजाजत है दोस्तों, बड़े इजाजत है। ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, मौलाना रब्बानी का बोलना ये बहुत बड़े ठोसपन की दलील है। इजाजत है दोस्तों, बड़े इजाजत है। गलत बोलूंगा तो पीछे से लुकमा आ जाएगा, और अगर सही बोलूंगा तो हजरत जो है मेरी ताईद फरमाएंगे। इजाजत है जोर से बोलो, इजाजत है। पूरा मजमा बच्चों को बैठाओ, जल्दी बैठो। सनाउल्ला बकाउल्ला बैठ। इस लड़के का नाम सनाउल्ला है। सुबह से मैं इसका तीन नाम बोल चुका हूं, कभी मैं सनाउल्ला कह देता हूं, कभी बकाउल्ला कह देता हूं, कभी सिबगतुल्ला कह देता हूं। ऐसा नाम है कि मेरे मुंह से निकल रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं पांच मिनट के बाद फिर हदीस लाइन से सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो। बीच में एक आदमी जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ ताकि मैं सांस ले लूं। जल्दी से खड़े होकर नारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इजाजत है दोस्तों, बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। हाँ, मैंने लड्डू का इंतजाम भी रखा है। मैंने आप इस फिरोज से कह दिया 3 किलो लड्डू लाओ, जो मुझसे नाराज होके जाएगा वो लड्डू खाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इधर देखो, अब रह गया मसला निकाह का। इधर देखिए, 5 मिनट की बात है, मोबाइल वाले को बैठाइए। सब क्या समझ रखे? हाँ, आप लोग क्या समझ रखे? खेल मौलाना रब्बानी को पसीना आ रहा है और आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं। बैठाइए चचा मियां को, चचा मियां बैठिए। इजाजत है? अल्लाह, ऐसे अंगराई ले रहे जैसे लगता आसमान से उतरे। अरे बोलो इजाजत है। अरे मेरी तरफ देखो भाई, क्या कहे, सारी दुनिया इधर देखो, मुझसे बेईमान लोग परेशान है और मैं आप जैसे लोगों से परेशान हूं। क्या कहूं, कलेजा फाड़ता हूं कि आपको कीमती बातें दूं, लेकिन आप लोग किस्सा कहानी में अपना वक्त और टाइम पास कर देते हो, जलसे का कोई मकसद हासिल नहीं होता। इजाजत है दोस्तों, बोलो। अब इधर देखो, निकाह पर हम बहस करने जा रहे हैं। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए,
निकाह करना लोग समझते सिर्फ सुन्नत है। अरे बोलो, लोग समझते हैं ना कि निकाह करना सिर्फ सुन्नत है। हाँ हजरात, निकाह करना मुतलकन सुन्नत है, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन मामला अगर हद से तजावुज कर जाए, जोर से बोलो, मामला हद से तजावुज कर जाए तो निकाह करना फर्ज भी है, वाजिब भी है, हराम भी है। इधर देखो, फर्ज किसके लिए? इधर देखो, उस मुसलमान के लिए निकाह करना फर्ज है। इधर देख, ध्यान से सुनो, उस मुसलमान के लिए निकाह करना फर्ज है जो जवान हो चुका हो, बालिग हो चुका हो, बीवी का हक अदा कर सकता हो। जोर से बोलो, बीवी का हक अदा कर सकता हो, बीवी को खिला पिला सकता हो, बीवी की सारी जरूरत को पूरी कर सकता हो, इसके बावजूद भी निकाह नहीं कर रहा, उम्र बढ़ती जा रही है और पाप पे पाप करता जा रहा, बोलो बुराई पे बुराई करता जा रहा है, तो ऐसे जवान पर निकाह करना फर्ज है ताकि वो बुराई से बाज आ सके। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू इधर देखो, मान के चलो ऐसा मुसलमान है जो जवान हो चुका है, बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी की हर जरूरत पूरी कर सकता है, उम्र बढ़ती जा रही है, निकाह नहीं कर रहा मगर गुनाह भी नहीं कर रहा है, मगर पांव डगमगा रहा है। इधर देखो, पांव फिसल रहा है, खतरा है कि गुनाह हो जाए, अंदेशा है कि गुनाह हो जाए, तो ऐसे जवान पर उस खतरे से बचने के लिए निकाह करना वाजिब है। और हराम किसके लिए है? हिजड़ों के लिए निकाह करना हराम, नामर्दों के लिए निकाह करना हराम, और उन जवान छोकरों के लिए जिसने अपने नफ्स को खराब कर दिया है। डॉक्टर ने यह कह दिया है कि तुम इलाज से भी दुरुस्त नहीं हो सकते हो, बिल्कुल ना इलाज हो, अगर वो निकाह कर ले तो तलाक देना वाजिब है। अगर वो निकाह कर लेता है या उसके माँ बाप निकाह करा देते हैं तो औरत को तलाक देना वाजिब है, इसलिए कि उस पर निकाह करना हराम था। उसने निकाह क्यों किया? अगर कर लिया है तो तलाक दे ताकि हक तल्फी ना हो। मेरी तरफ देखो तो निकाह करना हराम किसके लिए हुआ? जोर से बोलो, हिजड़ों के लिए निकाह करना हराम, ना मर्दों के लिए निकाह करना हराम, और उन जवान छोकरों के लिए जिसको डॉक्टर ने यह कह दिया हो कि तुम सब्र करो, किसी लायक नहीं हो, तो निकाह करना हराम। एक हराम। इधर देखिए, दो पहलू हो गए। तीसरा पहलू, उस जवान के लिए निकाह करना हराम जो आवारे की तरह जिंदगी गुजारता हो, बंजारे की तरह जिंदगी गुजारता हो, खुद भूखा रहता हो, तो बीवी का क्या हक अदा कर सकता है? तो जो जवान बीवी का हक अदा न कर सके, बीवी की जरूरत पूरी न कर सके, बीवी को खिला पिला न सके, बीवी के नानो नफका को बर्दाश्त न कर सके, उसके लिए चार निकाह तो छोड़ो, तीन निकाह तो छोड़ो, दो निकाह तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम है। वो से बोलो, एक निकाह भी करना, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, एक निकाह। आजकल लोग कहते हैं कि चार बीवी कर सकते हैं। अबे पगला, चार बीवी किसके लिए है? उस मुसलमान के लिए है जो चारों बीवी का हक अदा कर सके, जो चारों बीवी को खिला पिला सके, जो चारों बीवियों के साथ इंसाफ कर सके, जो चारों बीवियों के साथ अच्छा सलूक कर सके, उनको चार करने की इजाजत है। लेकिन जो हक अदा नहीं कर सकता, तो चार तो छोड़ो, तीन तो छोड़ो, दो तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम है। अगर उसका नफ्स उसको बहकाता है तो नफ्स को तोड़ने के लिए रोजा रखे। क्या रखे? जोर से बोलो, रोजा रखे ताकि वो बुराई से बाज आ सके। ये निकाह का मसला था। अब अगली गुफ्तगू हम कोर्ट मैरिज से करने जा रहे हैं। इजाजत है? ध्यान है? अरे बोलो, ध्यान है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना की टीम की तकरीर को हंसकर भुला मत दो, पूरी जिंदगी के लिए ये सरमाया है, शबे मेराज है। मैं चाहता तो इस मौजू पर लच्छेदार गुफ्तगु करता, लेकिन मौलाना ने आपको देखा, आपके चेहरे को देखा, मैंने सोचा अगर इस मौजू पर गुफ्तगु करता हूं तो लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। इजाजत है? बैठाओ इनको, तौलिया वाले को बैठाओ। मेरी तकरीर में अब रस्सी लेकर बैठिए। अरे बोलो, अब आप लोग रस्सी लेकर बैठा दीजिए ताकि बाद कर लोगों को अब तकरीर सुनाने की जरूरत है। अरे बोलो, इजाजत है? ताकि इस्लाम बदनाम ना हो, मुसलमान बदनाम ना हो। अब हम कोर्ट मैरिज पे बहस करने जा रहे हैं। इजाजत है? अरे बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज लड़का लड़की का फैशन हो गया लव करो, कोर्ट मैरिज करो, माँ बाप से फुर्सत पालो। अरे बोलो माँ बाप से। और लड़का लड़की कहते हैं इधर देखिए कोर्ट में पहुंचकर मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी जी। अरे बोलो भाई। लेकिन वो पागल है वो पगली है। अरे बोलो लड़का पागल और लड़की क्या है पगली या पगली। शायद उसको इस्लाम का कानून मालूम नहीं। इधर देख पैगंबर ने फरमाया अय्युमा इमरातिन नकहत नफ्सहा बगैर इज़्ने वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। पैगंबर ने तकरार के साथ ताकीद तक ताकीद फरमाया कि कोई भी औरत अगर गैरे कुफू में किसमें जल्दी बोलो गैरे कुफू। गैरे कुफू में मतलब क्या हुआ अपनी बराबरी में ना हो, अपनी बराबरी में ना हो। अगर कोई भी लड़की जवान लड़की जबकि जवान होने के बाद खुद मुख्तार होती है लेकिन ये मुख्तारी कब चलेगी जब कुफू में करे तब। जोर से बोलो खुद मुख्तारी कब चलेगी जब कुफू में करे तब। लेकिन अगर गैरे कुफू में अगर वो निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है बातिल है बातिल है जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। क्या मतलब लड़की शेख की हो लड़का धोबी का हो लड़की खान की हो लड़का हजाम का हो। इधर देखो लड़की बोलो लड़की क्या हो सैयद की बेटी हो लड़का मंसूरी का बेटा हो ये है गैरे कुफू। लड़की हो गैर मुस्लिम लड़का हो मुस्लिम ये बोलो लड़की हो गैर मुस्लिम लड़का हो गैर मुस्लिम ये भी गैरे कुफू है। हजरात तो अगर इस तरह के अगर निकाह निकाह को कोर्ट में किया जाता है मानकर चलिए गैरे कुफू में अगर निकाह किया जाता है कोई भी लड़की लब करके अगर कोर्ट में निकाह करती है कोर्ट मैरिज करती है अगर कोर्ट ने कागज बना दिया तो कोर्ट की नजर में तो निकाह है मगर शरीयत की नजर में उस वक्त तक निकाह नहीं होगा जब तक के माँ बाप राजी न हो जाए। जोर से बोलो माँ बाप की रजा शर्त है। इधर देखिए लेकिन माँ बाप ने कह दिया कि मुझको बस कलमा पढ़ने वाला चाहिए चाहे वो धोबी हो चाहे वो हजाम हो चाहे वो मंसूरी हो चाहे वो अंसारी हो बस कलमा को चाहिए। तो अगर माँ बाप राजी है तो माँ बाप राजी तो क्या करेगा काजी। ये नहीं कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये उस वक्त चलेगा जब लड़की बालिगा हो लड़का बालिग हो और कुफू में निकाह करे लेकिन गैरे कुफू में करेगा तो माँ बाप की रजा पर निकाह मौकूफ है। अगर वो राजी होंगे तो निकाह नाफिज होगा और अगर वो नाराज होंगे तो महज जनाकारियां होंगी गुनाह होगा निकाह नहीं होगा। ये है शरीयत का कानून। इसको दिल में बसाओ सीने में बसाओ अमल करो और इस्लाम को बदनाम मत करो। अब हम अगली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इजाजत है जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। और बोलो नाराज तो नहीं हुए एक भी हाथ नीचे ना रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो बोलो ये चचा मियां कहां जा रहे हैं अल्लाह है। बड़ा अफसोस होता है तकरीर करने बैठिए तो इस्तिंजा की जरूरत है सब कुछ से फारिग होकर बैठिए। मेरा बच्चा इधर देखिए जब टीचर आता है पढ़ाने तो मैंने अपने बच्चे को टाइट किया है कि तुमको इस्तिंजा करना हो पेशाब सफाना करना हो जिस चीज की जरूरत हो पढ़ने से पहले चले जाओ और जिस वक्त कोचिंग कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सब ड्रामा है कि नहीं खिलौना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कीमती बातों को दिल से सुनिए और सीने में बसाइए ताकि जिंदगी में ये वक्त बोलो वक्त पर काम आए। इजाजत है तो अगली गुफ्तगू करूं। अब सुनिए इधर देखिए कैसे उसे भूल जाऊं।